हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी के दो लेक्चर्स हमने इससे पहले कंप्लीट भी कर लिए हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स। यानी एक क्रिकेट मैच में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन है जो कि 40 बॉल्स खेलता है। टोटल कितने बॉल्स खेल रहा है? 40 बॉल्स। उसमें से 8 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट किए, ठीक है। अच्छा बच्चों, टोटल कितने बॉल्स खेल रहा है वो बैट्समैन? 40। यानी कि टोटल नंबर ऑफ, यहां पर इवेंट क्या है? बॉल खेलना इवेंट हो गया। तो टोटल कितने बॉल्स खेल रहा है? 40 बॉल। यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपका 40 हो जाता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमें दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना दे रखा है बच्चों हमें? 40 दे रखा है। इस 40 इवेंट में जो 8 इवेंट्स है उसमें तो बाउंड्री स्कोर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ बाउंड्री कितने हैं बच्चों? नंबर ऑफ आउटकम ऑफ बाउंड्री एट टाइम्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ नो बाउंड्री क्या है, ठीक है, जिसमें बाउंड्री उसमें नहीं लगाया है? नंबर ऑफ आउटकम ऑफ नो बाउंड्री देखिए, समझिएगा इस बात को कि उस बैट्समैन ने 40 बॉल्स खेले और उसमें से 8 बॉल उसने बाउंड्री लगा दिए। तो जिसमें कोई बाउंड्री नहीं लगाया वो क्या है? 40 में से 8 माइनस कर देते हैं। 40 माइनस 8 यानी 32 टाइम्स उसने कोई बाउंड्री नहीं लगाया है। आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री नहीं मारी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाउंड्री क्या होगा बताइएगा जरा। देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम किसी भी इवेंट का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। यहां पर इवेंट क्या है? नो बाउंड्री। तो इसलिए नंबर ऑफ आउटकम ऑफ नो बाउंड्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये होगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अच्छा कितने नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम रहा जहां कोई बाउंड्री नहीं लगी? 32 नंबर ऑफ टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी टोटल कितने बॉल खेले उसने? 40। अगर इसे 8 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। 4/5 आपका होता है 0.8। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। आई होप आपको समझ में आया है। यहां आपको 8 टाइम्स बाउंड्री का मेंशन कर रखा है लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि बाउंड्री हिट नहीं किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 40 में से 8 को माइनस कर देंगे तो आउटकम निकल जाएगा जब उसने बाउंड्री नहीं मारी है, और तब आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली नो बाउंड्री की। क्लियर है? चलिए इसे नोट कर ले बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का है। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं, इस तरीके क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यानी मान लीजिए कि एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। उन 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप के सैंपल को कलेक्ट किया गया और उनके जो सैंपल्स थे उसमें रिकॉर्ड ऐसा था, ए फिर दूसरे का बी फिर तीसरे का ओ चौथे का भी ओ फिर ए बी ओ, इस तरीके से करके ये पूरा रिकॉर्ड 30 स्टूडेंट्स का आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप आप 30 स्टूडेंट्स का देख रहे हैं बच्चों, अगर आप ब्लड ग्रुप 30 स्टूडेंट्स का अगर आप लोगों ने किया है तो यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए आपके?
टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 30 हो गए। भाई 30 स्टूडेंट का अगर आपने ब्लड ग्रुप का सैंपल लिया है तो उससे ज्यादा तो इवेंट्स यानी ब्लड ग्रुप का सैंपल आपने कलेक्ट किया नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके 30 हो गए। कह रहा है अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली किसी भी एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ब्लड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि स्टूडेंट की ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। सबसे पहले तो हम लोग प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों, डिवाइडेड बाय होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी जो भी आउटकम आपको चाहिए। जैसे यहां पर आउटकम क्या है हमारा ए, तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट यानी ए जो है वो उसके आउटकम्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कितने बार आपने उस इवेंट को परफॉर्म किया, यानी कितने बार आपने ब्लड सैंपल लिया है। 30 स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट का एक एक बार ले रहे हैं, 30 बार हमने लिए हैं, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी कि ब्लड ग्रुप कितना क्या है, ए आए, ठीक है। तो बच्चों ए देखिए कितने बच्चे हैं, एक, फिर दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चों, 9/30, अगर आप 3 से करते हैं 3/10, राइट, ये आपका हो गया 0.3, कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3। उसी तरीके से आप सेकंड देखिए, प्रोबेबिलिटी के ब्लड ग्रुप आपका बी हो, ठीक है, इसमें एक है, एक बार है बी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः बार बी आया है, राइट बच्चों। तो नंबर ऑफ आउटकम बी का है 6 डिवाइडेड बाय 30, 3 से कट करें तो 2 टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, यानी ये हो गया 0.5, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा हमारा है प्रोबेबिलिटी कि ये ए बी के बराबर, ठीक है, ए बी कितने बार है देखिए, एक और दो और तीन, तीन ही बार ए बी है, राइट। तो ए बी नंबर ऑफ आउटकम ए बी इवेंट का 3 है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट 30 है, 3 से कट करिए 1 टाइम्स, 3 से कट किया 10 टाइम्स, यानी ये 0.1 आ गया, ठीक है। और आखिरी हमारा बचता है प्रोबेबिलिटी के ये हमारा ओ के बराबर, ओ देखिए कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी नंबर ऑफ आउटकम ओ इवेंट का कितना है 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट 30, 3 से डिवाइड करेंगे 4, ये 10 हो जाएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो बच्चों, 0.4, क्लियर है। तो ये आपको 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप का एक रिकॉर्ड दिया हुआ था और आपसे कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट के हमने रिकॉर्ड को रैंडमली सेलेक्ट किया है, बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ए आना चाहिए, बी आना चाहिए एंड सो ऑन, ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। चलिए बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार सबको समझ समझ कर नोट करिएगा, नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप एनसीईआरटी आरडी शर्मा या जहां से भी आप सॉल्व करते हैं मैथ्स, उन बुक से ढूंढकर ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब अगला लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम लोग थोड़े और प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, इसलिए आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनको भी आपने स्किप नहीं करना है, उसको भी फुल सिंसियरिटी के साथ बच्चों देखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें जितने भी तरीके के सवाल हमने किए हैं, प्लीज उन सवाल को आप अभी तक के लिए फिलहाल बुक से देखकर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।